अजनी क्षेत्र के सुयोग नगर स्थित अंबोरी अस्पताल में प्रसूति के लिए आए महिला की बेटे के सीजर से जन्म के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई। उसकी हालत को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल में भेज दिया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतक शीतल पुरुषोत्तम राउत की मौत के बाद परिजनों ने अजनी थाने में अंबोरे अस्पताल की डॉक्टर पुष्पा अंबोरे के खिलाफ शिकायत कराई है। मृतक महिला के पति पुरुषोत्तम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी शीतल की सीजर के 5 मिनट बाद ही तबीयत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन इस बारे में अस्पताल की डॉक्टर पुष्पा अंबोरे ने उन्हें या उनके परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने उनकी पत्नी के उपचार में लापरवाही बरती, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले में अजनी के वरिष्ठ थानेदार विजय तलवारे का कहना है, इस मामले में मेडिकल अस्पताल से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। काटोल निवासी पुरुषोत्तम महादेव राउत की पत्नी शीतल राउत को सुयोग नगर स्थित अंबोरे अस्पताल में प्रसूति के लिए 9 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे भर्ती किया गया। इस दौरान पुरुषोत्तम और उनके परिजन अस्पताल में मौजूद थे। उनकी पत्नी का दोपहर करीब 12:35 पर सीजर किया गया, उन्हें बेटा पैदा हुआ, यह जानकारी भी परिजनों को दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि बच्चे और उसकी मां की तबीयत ठीक है। कुछ समय पश्चात पुरुषोत्तम को बताया गया कि शीतल को ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण उसे परेशानी हो रही है। पुरुषोत्तम का आरोप है कि उसकी पत्नी को डॉक्टर अंबोरे ने उसे सूचित किए बिना ही धनतोली के नेल्सन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया। नेल्सन अस्पताल में परिजनों के पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि मरीज को लाने में करीब 4.5 घंटे बर्बाद कर दिए गए, उसकी हालत काफी गंभीर है। यह भी बताया गया कि उनकी पत्नी का 2-3 बार हार्ट बंद हो गया था। इस बीच पुरुषोत्तम से पहले 80,000 रुपए जमा करवा लिए गए। वहां उसकी पत्नी का क्या उपचार किया गया उसे कुछ भी नहीं पता है। 9 नवंबर को शाम करीब 7 बजे डॉक्टर पुष्प अंबोरे ने पुरुषोत्तम को फोन पर जानकारी दी कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई। शीतल का अंबोरे अस्पताल में गर्भवती होने के पहले माह से उपचार शुरू था। 11 नवंबर को प्रसूति के लिए उसका सीजर होने वाला था। 9 नवंबर को दर्द उठने पर उसे अंबोरे अस्पताल में ले जाने पर भर्ती कर दिया गया। पुरुषोत्तम ने बताया कि अंबोरे अस्पताल में उसे यह कहा गया कि शीतल को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसे खून की जरूरत पड़ेगी। उसे जनता चौक के ब्लड बैंक से 2-3 बोतल रक्त का इंतजाम करने को कहा गया। उसने 2 बोतल रक्त का इंतजाम किया, बाद में और रक्त लगने की बात कही गई। पश्चात उसकी पत्नी को अंबोरे अस्पताल से धनतोली के नेल्सन अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसकी पत्नी की मौत हो गई। इस मामले में पुरुषोत्तम ने अजनी थाने के अंबोरे अस्पताल द्वारा उसकी पत्नी के उपचार में लापरवाही बरते जाने की लिखित शिकायत दी। थाने के उपनिरीक्षक एस कामले ने पुरुषोत्तम की शिकायत ली। इस मामले की जांच मेडिकल अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शुरू की जाएगी। काल पुलिस स्टेशन अजनी येथे एक तक्रार प्राप्त झाली आहे। तक्रारीमध्ये तक्रारदारांचं म्हणणं असं आहे की सुयोगनगर परिसरात डॉक्टर अंबोरे यांचं हॉस्पिटल आहे, त्या ठिकाणी महिला नामे शीतल राऊत ही प्रसूतीकरता दाखल झाली होती, परंतु तिची तब्येत जास्त बिघडल्याने तिला धनतोली हद्दीमधील नेल्सन हॉस्पिटल या ठिकाणी रेफर करण्यात आलेलं होतं। त्या ठिकाणी त्या महिलेची महिला मयत झालेली आहे। तर महिलेच्या नातेवाईकांनी तक्रार केलेली आहे अंबोरे हॉस्पिटल विरुद्ध। सदर प्रकरणामध्ये पोलीस स्टेशन अजनीला आकस्मिक मृत्यू सध्या दाखल आहे आणि नातेवाईकांनी जी तक्रार दिलेली आहे त्या तक्रारीच्या संदर्भाने पुढील कायदेशीर कारवाई आम्ही करत आहोत। महिलेचं नाव शीतल पुरुषोत्तम राऊत असं आहे, ती सध्या बेसा परिसरात राहत होती आणि ती प्रसूतीकरिता हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेली होती। डॉक्टरवरती आपल्याकडनं काय कारवाई करण्यात आली, त्याची काय प्रक्रिया चालू आहे, आपल्याला काय सांगता? सध्या आकस्मिक मृत्यू दाखल आहे या मयताबाबत, पुढील कायदेशीर कारवाई वैद्यकीय अभिप्राय वगैरे घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांजी, BCN News नागपूर।